नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइजर्स एक बार फिर से एक दूसरे से भिड़ने को तैयार है। दोनों के बीच ये मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है। फैंस भी इस मुकाबले को लेकर काफी एक्साइटेड है। देखिए रिपोर्ट। IPL 2022 के 41वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स एक दूसरे के आमने सामने होंगे। दोनों के बीच इस सीजन का ये दूसरा मुकाबला होगा। पहले मुकाबले में दिल्ली ने 44 रनों से एक रोमांचक जीत दर्ज की। दोनों ही टीमों के लिए IPL का मौजूदा सीजन अच्छा साबित नहीं हो रहा है। पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अपने 7 में से 3 मैच जीतकर दिल्ली कैपिटल 7वें पायदान पर है। वहीं कोलकाता की टीम 8 में से 3 मैच जीतकर 8वें पायदान पर काबिज है। दोनों ही टीमें अपना पिछला मुकाबला हार कर मैदान में उतरेंगी। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अपने पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को एक बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की टीम ने 222 रनों का स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम 20 ओवर में 207 रन बनाने में ही कामयाब हो पाई। वहीं अगर कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो गुजरात से हुए पिछले मुकाबले में कोलकाता को 8 रनों से करारी हार मिली। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात की टीम ने 156 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 20 ओवर में 148 रन बनाने में ही कामयाब हो पाई। पिछले मुकाबले में हारने के बाद अब दोनों ही टीमें इस मुकाबले को अपने नाम करना चाहेंगी। बहरहाल दोनों ही टीमों में धुरंधरों की भरमार है, जहां एक तरफ दिल्ली की टीम में ऋषभ पंत, पृथ्वी शॉ और अक्षर पटेल जैसे खिलाड़ी हैं, तो वही दूसरी ओर कोलकाता की टोली में भी नितिश राणा, वरुण चक्रवर्ती और श्रेयस अय्यर जैसे दिग्गज मौजूद हैं। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। तो दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो मुकाबला होने वाला है, दोनों ही टीम में धुरंधर खिलाड़ी हैं और दोनों के बीच का मुकाबला देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।